टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष ने किया अपने जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा। आखिरकार 45 साल की उम्र में संगीता घोष ने दिया था एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म। वेल, आखिरकार 2021 की बातों को अब सामने रखा है संगीता घोष ने। वह क्या कुछ रिवील किया है उन्होंने, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि स्वर्ण घर की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस संगीता घोष, जो कि 45 साल की हैं और 45 साल के उम्र में उन्होंने एक प्री मच्योर बच्ची को जन्म दिया। वेल, उन्होंने बर्थ दिसंबर 2021 के टाइम ही दिया था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया से ये बात छिपाई थी। लेकिन रिसेंटली ही संगीता घोष ने इन सभी बातों पर से पर्दा हटा दिया है और साथ ही साथ वो कहते नजर आई हैं कि दिसंबर में, जिस तरीके से दिसंबर 2021 में उन्होंने प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था, वो समय बेहद ही ज़्यादा गंभीर था उनके, उनके पूरी फैमिली और उनके हस्बैंड के लिए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा हिम्मतदार है। वेल, 15 दिनों तक NICU में रहने के बाद भी संगीता घोष की बेटी ने अपने ज़िंदगी के जंग से, अपने ज़िंदगी के जंग को लड़कर अपने ज़िंदगी को जिंदा रखा। आपको बता दूं कि संगीता घोष ने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा हिम्मतदार है। और साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी बेटी देवी को पहली बार गोद में लिया था, तो उनकी बेटी के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र कहा था, जिसके बाद कि उनकी बेटी की आंखें तब तो बंद थी, लेकिन गायत्री मंत्र को सुनने के बाद अपनी मां के मुंह से उन्होंने अपनी आंखें खोली और साथ ही साथ अपनी मां को स्माइल दिया। वेल, फैंस से ये बात संगीता घोष ने छुपाया तो था, लेकिन जब फैंस को ये खबरें पता चली है, तो फैंस संगीता घोष के हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि 45 साल की उम्र में माँ बनने का डिसीजन लेना संगीता घोष के लिए भी ईजी नहीं रहा होगा, और ऐसे में प्री मैच्योर बेबी को जन्म देना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे भी होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देवी के लिए सभी उनके फैंस, संगीता घोष की जितनी भी फैंडम है, सभी देवी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामनाएं कर रहे हैं। आपके क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।